गाइस स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। और 5:30 पे उठने के बाद स्नान वगैरह हो चुका है एंड जो भी काम है सुबह सुबह सारे हो चुके हैं। और फिलहाल अपना थोड़ा सा तो फिलहाल अभी अपना ओट्स रेडी हो चुका है और साथ ही साथ थोड़ा सा चाय रेडी हो चुका है, क्योंकि बाहर ठंडी है तो थोड़ा काफ़ी के बाहर निकलना सही है। फिलहाल अभी अपना स्टार्ट हो चुका है, 6 बजे से पहले पहुँचना है, तो खाते हैं निकलते हैं। 5:30 हो रहा है तो गाइस मिलते हैं आपसे। रूम पे आ चुके हैं, जो शिफ्ट ओवर हो चुका है रूम पे आ चुके हैं। और आते ही तो सुबह कूड़ा वगैरह नहीं फेंका था, तो आके सबसे पहले वही काम कर रहे हैं, डस्टबिन में कूड़ा डाल देते हैं। अभी दोपहर के 2:05 हो चुके हैं, तो काफ़ी धूप हो चुका है। सुबह तो एकदम ठंडी कोहरा वगैरह था, तो अभी थोड़ा सा लंच वगैरह बनाना है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं, लंच वगैरह बनाते हैं। एक बार बन जाता है तो फिर आपसे मिलते हैं। सो अभी 3:25 हो चुके हैं और लंच लगभग रेडी हो गया है। तो लंच में आज है दाल और इसमें थोड़ा भथुआ डाले हुए हैं और जीरे और मिर्चे के साथ तड़का है इसका, साथ ही साथ ये सरसों भथुआ का साग है, तो गल के बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हो गया है। और लोहे की कढ़ाई में आज बनाए हैं पालक का साग, आलू डालना भूल गया नहीं तो आलू पालक हो जाता। फिलहाल बस पालक का साग बना हुआ है, बस चावल में बॉइल्ड आ ही गया है, लगभग चावल हो ही गया है, बस चावल बनाना रह गया है, अभी 2-3 मिनट में भी रेडी हो जाएगा। तो अभी शाम के 6:05 हो रहा है और निकल रहे हैं थोड़ा बाहर, नया मोड़ जाना है, कुछ बस वगैरह का पता करना है, तो प्लानिंग कर रहे हैं कहीं निकलेंगे कल सुबह, तो देखते हैं सब कुछ सही रहा तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। सो अभी निकलते हैं। तो फिलहाल अभी नया मोड़ पहुंच चुके हैं और नया मोड़ के पास ही बस स्टैंड है, तो ये सामने है नया मोड़ और जस्ट इसके मात्र 100 कदम पे है बस स्टैंड। जो लोकल है उनको पता है, और कहीं अगर कोई दूसरे बाहर से ये ब्लॉग देख रहा होगा, कोई दूसरे ज़िले या दूसरे स्टेट से, तो अगर आपको बस स्टैंड नहीं पता है कहाँ है, तो नया मोड़ के पास ही है, इसलिए मैं थोड़ा सोचा आपको बता देता हूँ। चलते हैं थोड़ा बस स्टैंड में पता करके आते हैं। मैं ऑनलाइन पता कर सकता था बट जो सही से उसमें जानकारी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा यहाँ आके पास में है तो यहाँ आके थोड़ा पता कर ले रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल बस स्टैंड में ही खड़े हैं और बस के बारे में पता कर लिए, जिस बस से हमको कल सुबह अगर पॉसिबल हुआ तो जाएंगे, तो बस तो लगातार है, लोकल है तो लगातार बस है। ये बस स्टैंड है, अगर आप यहाँ से हर जगह का बस मिल जाएगा, बोकारो बस स्टैंड। तो बोकारो से पटना वाया नवादा बिहार शरीफ, तो यहाँ से मिल जाएगा। बनारस के लिए भी मिल जाएगा और शाम को चलती है 5:30 बजे की, तो पता कर लिए, जो इन्फॉर्मेशन लेना था वापस चलते हैं। तो अगर लोकल कुछ ट्रेवल करना है तो देख सकते हैं यहाँ लोकल बस का टाइमिंग। तो ये कुछ और बस का टाइमिंग है, ये एसी बस का टाइमिंग है। सो वापस सिटी सेंटर आ चुके हैं और जितनी जानकारी लेनी थी बस के बारे में, कल जो जाना है उसके बारे में पता कर लिए हैं। ठंड के मारे हाथ एकदम थोड़े कुड़कुड़ा गए हैं, ठंड के मारे थोड़े हाथ में, ठंड अभी धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ गया और अभी हाथ में बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो अभी थोड़ा यहाँ चाय की दुकान पर रुकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद रूम पर वापस चलेंगे। और टाइम हो चुका है अभी 7:45, चाय आ गई है, चाय पी लेते हैं और वापस रूम पर जाके फिर वही। फिलहाल स्वीट शॉप में आ चुके हैं, थोड़ा पनीर वगैरह ले लेते हैं शाम के लिए। तो ये स्वीट शॉप है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की स्वीट्स हैं यहाँ। तो अभी पनीर निकलने में टाइम था तो थोड़ा जगन्नाथ मंदिर की तरफ आ गए, फिलहाल अभी जगन्नाथ मंदिर पहुँच चुके हैं, दर्शन वगैरह थोड़ा बाहर से ही करना पड़ेगा आज। उन्होंने कहा अभी 15 से 20 मिनट लगेगा, तो मैंने सोचा मंदिर आके थोड़ा दर्शन वगैरह कर लेते हैं। वापस रूम में आ चुके हैं और दोबारा जाने पे पनीर मिल गया था, जिसके लिए मैं थोड़ा वेट किया था बाहर, इसी बहाने मैं मंदिर में दर्शन करने चला गया था। तो जानकारी वगैरह सब लेके वापस रूम पे आ चुके हैं, थोड़ा सा सब्जी बनाना है पनीर का, बाकी लंच में तो चावल और थोड़ा सा दाल और साग बचा है। अगर सब कुछ सही रहा तो कल से अपनी एक सीरीज शुरू होगी, और गाइस अगर अभी तक कुछ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। 8:40 हो चुके हैं, तो पनीर की सब्जी बनानी थी, पनीर की सब्जी बन गई, इसके साथ अपना वही दाल चावल है, तो खाते हैं अपना डिनर वगैरह करते हैं और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि कल मोस्ट प्रोबेबली निकल जाएंगे अगर सब कुछ सही रहा तो आप देखना ना भूलें कल का ब्लॉग।
तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें।